जी व्हाट आई एवरीबडी हैज देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती, चाहे वो खवातीन हो या मर्द हो, द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट वाज यूज्ड, उससे तो खैर कोई भी, आई डोंट थिंक एनीबडी एग्रीज, स्पेशली इट हैपनिंग ऑन द नेशनल न्यूज प्लेटफॉर्म या चैनल, वेदर प्रोवोक्ड और नॉट दैट्स अनदर थिंग. जहां तक आप औरत मार्च की बात कर रहे हैं, आई थिंक आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ दैट. अगर वो अपने आप को किसी चीज के लिए एक्सप्रेस करना चाहती है, और थोड़ा सा जरा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आपका जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है जिसके लिए औरत मार्च हो रही है, हम फेमिनिज्म को भी जरा कंफ्यूज करते हैं उस चीज में कि इट इज एंटी मेन और एनीथिंग लाइक दैट. इट्स नॉट, देखिए इट इज अबाउट ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स में आपका मर्द भी आएगा, औरत भी आएगा, और जिनको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं वो भी आएंगे. ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है. बहुत हम जानते हैं, हमारी हिस्ट्री है, हमारे ड्रामे इस बात को डिपेक्ट करते हैं कि जो जुल्म हमारी सोसाइटी में, जो राइट्स नहीं दिए जाते, जिसके लिए पूरी दुनिया में एक फाइट होती रही है, और इस खत्ते में भी ये बहुत अच्छे से हो रही है. जहां आप बात करते हैं मेरा जिसम मेरी मर्जी, तो वाकई मेरी मर्जी नहीं होगी तो किसकी होगी? इट मीन्स कि आई हैव अ राइट ओवर माई लाइफ. मेरे पास ये राइट एज अ वुमन, एज अ ह्यूमन बींग होना चाहिए कि अगर मेरी बॉडी इस बात को बर्दाश्त नहीं करती कि मैं 6 बच्चे पैदा करूं बेटे के लिए, तो आई शुड हैव दैट राइट ओवर माई लाइफ एंड माई बॉडी. आप उसको जितना मर्जी चाहे, जिस तरीके से चाहे मिसकंस्ट्रू करते रहे और प्रोग्राम्स करते रहे उस पर, लेकिन जो बेसिक बात है दैट विल रिमेन. और अगर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी तरीके से बताना चाहता है, उसको हम दूसरी तरफ ना लेकर जाए, ना बुराई की तरफ ना लेकर जाए. देयर हैव टू बी ये औरत मार्च किसी वजह से हो रही है ना. आई हैव अ राइट, यू हैव अ राइट. जब किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी लाइफ में नहीं मिलती, अच्छा, तो उसका राइट है टू वॉइस इट. अच्छा. अगर आप उसको, और ये मोरालिटी इमोरालिटी की बात नहीं है, इट इज अबाउट हैविंग योर बेसिक राइट. क्योंकि एक बात आप जरूर याद रखिएगा कि जब मैं अपना कोई एक्शन करती हूँ, कोई भी एक्शन, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट एक्शन, तो मैं उसके बाद जो कुछ होता है उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है ना इंसान. तो जब यू हैव द राइट, यू हैव द विल, यू हैव द राइट टू योर ओन लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में, अपने जिस्म के बारे में, अपने दिमाग के बारे में, अपने थॉट के बारे में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है, और आप वो ले रहे हैं. तो आप मुझसे मेरा राइट ना लें, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ. मारी साहब, दैट इज द होल थिंग. मारी साहब, इसी चीज पर मैं चारों खलील मनकमर साहब, ये देखिए वही बात कि मेरा जिसम मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी है, मुझे इसका राइट है कि मैं कैसे इसको जीना चाहती हूँ, मुझ पर आप इन्फोर्स ना करें. कुदरती तौर पर कुछ ऐसी चीजें अकर कर रही हैं हमारे यहाँ कि मारिया वासी जैसी लड़कियाँ इसको सपोर्ट कर रही हैं. शी हैज राइट टू से एनीथिंग शी वांट्स टू. आई डोंट से एनीथिंग अगेंस्ट हर, बट द इशू इज वो फरमा रही हैं कि देर इज नथिंग अगेंस्ट द मैन. आइए जरा इनके स्लोगन्स को चेक करें. मेरा जिस मेरी मर्जी पर बाद में आते हैं, अपना खाना खुद गर्म करो. किसको बोल रही है? अम्मी को. मुझे क्या पता तुम्हारा मौजा कहाँ है? किसको कह रही है? छोटी बहन को. मैं तुम्हारा खाना गर्म कर देती हूँ, अपना बिस्तर खुद गर्म करो. किसको कह रही है? हाँ, खाला को. मैं हैरान होता हूँ कि आप धूल झोंकने की कोशिश कर रही हैं मर्दों की आंखों में. मेरा जिस मेरी मर्जी नारा आया है 90s में, जब अबॉर्शन के लिए फाइट करने निकली हैं कि इसको लीगलाइज कर दिया जाए इन अमेरिका, इन कैनेडा, इन यूरोप. उसको हमारे यहाँ, चूँकि हमारे यहाँ, वहाँ जब मैस्टर सिस्टम फ्लॉप हो गया तो हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया था वो. जहाँ चीज़ें वहाँ जब चीज़ें मर जाती हैं, यहाँ हमारे सोशल सेटअप में जिंदा हो जाती हैं. फिर ज़रा मुझे बताइए, मेरी मर्ज़ी ये मर्ज़ी आपने तय किया कि कब से शुरू होगी? जब बच्ची 2 साल की होगी, 4 साल की होगी, 6 साल की होगी, 8 साल की होगी, 15 साल की होगी? कौन सी टाइम लिमिट्स डिफाइन की हुई आपने? वो क्यों पाले फिर बाप, जिसको गाली दे रही है आप इधर सरी निज़ाम का नाम लेके? उसको ये बताइए तो सही है कौन सा साल है जब आपकी मर्जी शुरू हो जाएगी आपके जिस्म के ऊपर. हाँ, आप फैमिली सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं. नो 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 नो, आप समझिए. आप नहीं समझना चाहती, आप खुदा के वास्ते लोगों को, बच्चियों को वरगलाइए मत. और मैं, मुझे तो समझ जाती है जो बोल रही हैं मेरी फ्रेटर्निटी से औरतें, इनके साथ क्या हुआ हुआ है, वो कौन से राइट्स इनके छिल गए हुए हैं. दे आर एंजॉइंग मोर देन अस. अच्छा जी, मारिया साहिबा, देखिए मेरा ख्याल है कि ये कुछ मसला इंटरप्रिटेशन का है कि
मतलब ये तो हर कोई कहता है कि ठीक है आज़ादी है आपको जिंदगी गुजारने की, लेकिन हमारे माशरे में मेरा जिस्म से मुराद आपको पता है कि बहुत सी और चीजें हैं और ज्यादातर वही कॉनोटेशन है, इसी वजह से लोग इतराज कर रहे हैं। नहीं वो तो आप इंटरप्रिटेशन की बात करें ना, आप देखिए मुझे बताइए, आज आप अखबार उठा के देखिए, 12 साल की बच्ची 60 साल के आदमी के साथ जबरदस्ती शादी, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जो ज्यादतियां हो रही हैं, व्हेन इट कम्स टू 12 साल की बच्ची 60 साल के आदमी ने जबरदस्ती शादी कर ली, फिर आप देखते हैं कि कन्वर्जन हो रही है, फिर आप देखते हैं बहुत सारी चीजें। देखिए आपने एक 18 साल की उम्र तय कर दी, आपके मजहब में भी ये है कि लड़की की इजाजत ली जाए, पूछी जाए इफ शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड और इस आदमी से या नहीं, तो ये सारे राइट नारा भी तो हो सकता है, मेरी शादी मेरी मर्जी, मेरी शादी मेरी मर्जी भी तो कहा जा सकता है। हाँ आप तो सिर्फ एक देखिए आप एक, क्योंकि आपने शायद उस स्लोगन के इंटरप्रिटेशन या उसकी सिर्फ ट्रांसलेशन की, मेरा जिस्म भी मेरी मर्जी है एंड दैट इज माई राइट, उसमें कहने में आप उसको इमोरालिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, ना लेकर जाए फर्ज करें हम नहीं लेकर जाते, अगर हम उसकी वो ट्रांसलेशन नहीं करते, वो पॉइंट नहीं रेज करते, तो फिर आपको बात समझ आती है। लेकिन जो बाकी चले, इतनी सेपरेशन रही है हमारी सोसाइटी में, और मेरी बात सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हमें वो चीजें हम इंजॉय करते हैं या वो राइट्स की बात कर रहे हैं कि मेरी कौन से राइट्स मेरे पास नहीं है, इट्स अ स्ट्रगल दैट हैज बीन गोइंग ऑन, ये बहुत कम लोगों के पास ये राइट है या उस चीज को इंजॉय करते हैं, तो अगर कोई किसी के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू में आवाज उठाता है तो उसको रोका नहीं जा सकता। आप प्लीज मुझसे डिसएग्री कीजिए, मैं आपसे डिसएग्री करने का राइट रखती हूँ विदाउट यूजिंग एनी फिल्थी लैंग्वेज और या और इंसल्टिंग एनीवन, आई हैव द राइट टू डू इट, आपका भी वो राइट है। लेकिन अच्छा है कि डिस्कशन हो रही है, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, क्योंकि ये मसला था, जब तक मसले पर बात नहीं की जाएगी कोई किसी का पॉइंट, लेकिन आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता बहुत सी औरतों को भी इस पर एतराज है कि ये कहना कि खाना खुद गर्म कर लो, बिस्तर की बात करना। अच्छा देखिए मेरी बात, आप ये देखिए आपको अपनी अपनी आप अपनी सोसाइटी में, इसी सोसाइटी में रहते हैं, हमें पिछली जो गुजरी हुई चीजें हैं वो भी पता है, ये खाना गर्म करना इज अ स्लोगन विच इज टेलिंग यू अ स्टोरी के लाइफ को किस तरीके से बहुत सारी चीजों में खवातीन की कंट्रोल किया जाता है, वेदर इट्स देयर स्टडीज, वेदर इट्स देयर राइट टू डू अ जॉब और अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारे डिसीजन करने में, और आपने रिड्यूस कर दिया औरत को किचन तक, जुराबे ढूंढ लो, खाना गर्म कर लो, दिस इज टेलिंग यू अ स्टोरी, अगर आप बाकी उसको समझना चाहते हैं विदाउट बीइंग बायस, तो फिर आप कहानियां वही लिखते हैं, वो ड्रामे वही हैं, उनके अंदर वही सिप्रेशन दिखाते हैं आप, तो ये आपके इर्द गिर्द की रियालिटी तो है ना, इससे हम आंखें तो नहीं चुरा सकते। ठीक है हमारी जी 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 चले आप बात मुकम्मल कर लें, बात मुकम्मल करें, मैंने जी जी व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप उससे नजर तो नहीं चुरा सकते ना, व्हाट एवर जो भी हमारी कंडीशन है। अच्छा अगर आप उस तरीके से देखिए, अगर मैं आपसे सिर्फ डिसएग्री करने के लिए आपसे बहस करूं तो उसका तो कोई एंड है नहीं। ठीक है अच्छा, ये इस बात पे तो अग्री करें ना कि बहुत सारी नाइंसाफियां एज अ सोसाइटी हो रही है और फिर पर्टिकुलर बच्चों के साथ हो रही है, आप देखिए चाइल्ड बिल्कुल उसके सब खिलाफ है, उसके सब खिलाफ है, टीम के साथ हो रही है, बिल्कुल मारिया साहब आप सही कह रही हैं, और स्केल देख ले जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जहाँ जुल्म है ज्यादती है उसको कहते हैं कि तुम डॉक्टर्स लड़कियां शादियां करके, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद गेटिंग मैरिड।